तो गैस ये है हमारे पास स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर VS6, स्प्लेंडर प्लस। तो बताएंगे इसकी मीटर की लाइट है वो कैसे सही करना है। देखिए इसकी दोस्तों मीटर की लाइट है बिल्कुल गायब हो चुकी है, नहीं आ रही है। और इसका जो फ्यूल पंप है वो भी चल रहा है, तो आप लोग पहले एक आवाज़ सुनिए, फ्यूल पंप चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसका फ्यूल पंप वो चल रहा है और इसकी मीटर की लाइट नहीं आ रही है। अगर दोस्तों मीटर की लाइट कैसे सही करनी है मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो में आप लोग बने रहें। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं फ्यूज की तरफ। ये है दोस्तों फ्यूज की डिब्बी। तो दोस्तों जब मीटर की लाइट चली जाती है तो ये फ्यूज इसमें लगे होते हैं, दो फ्यूज होते हैं, दो में से दोस्तों एक फ्यूज ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों मीटर की लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। तो बताएंगे किस तरीके से सही करनी है। तो इसके पहले खोलते हैं फिर बताएंगे किस तरीके से सही करना है इसे। तो इसे खोलते हैं, टैप है, टैप को निकालते हैं। तो दोस्तों ये रही फ्यूज की डिब्बी, इसमें दोस्तों फ्यूज होते हैं। तो निकालते हैं डिब्बी को इस तरीके से, ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। और दोस्तों इसमें दो फ्यूज एक्स्ट्रा में होते हैं और दो फ्यूज दोस्तों ये लगे होते हैं जो मीटर की लाइट के लिए। तो कंपनी दोस्तों दो फ्यूज एक्स्ट्रा देती है, अगर एक फ्यूज अगर ख़राब हो जाए तो इसमें से एक फ्यूज निकाल के इसमें डाल लें। तो देखते हैं कौन सा फ्यूज है वो ख़राब हुआ है। तो दोस्तों ये वाला फ्यूज ठीक है और ये लाल वाला रेड कलर का फ्यूज है, ये फ्यूज है वो ख़राब हो गया है। तो दोस्तों ये फ्यूज है, इसकी जो बीच की पत्ती होती है वो दोस्तों वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। ये देखिए दोस्तों बीच में जो एलिमेंट लगा है वो टूट गया है, उसकी वजह से दोस्तों फ्यूज है वो ख़राब हो गया है। तो इसमें दोस्तों दो फ्यूज एक्स्ट्रा में होते हैं, तो इसमें से एक फ्यूज निकाल के इसमें एक लगा देंगे तो मीटर की लाइट है वो आसानी से आ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास स्प्लेंडर VS6 बाइक है, अगर मीटर की लाइट चली जाती है तो दोस्तों ऐसे ही सही करना है, ये फ्यूज है वो बेकार हो जाते हैं। तो फ्यूज चेंज कर दें तो मीटर की लाइट आ जाएगी। तो हमने दोस्तों फ्यूज है वो चेंज कर दिए हैं। दोस्तों कंपनी इसमें दो फ्यूज एक्स्ट्रा डाल के देती है, इसी वजह से अगर बाइक का फ्यूज ख़राब हो जाए तो आप लोग घर पर ही चेंज कर लें। तो ये रहा इसका टैप, लगा देते हैं। अब दिखाएंगे दोस्तों मीटर में लाइट आई है नहीं आई। तो दोस्तों इसकी चाबी ऑन करते हैं, अब देखते हैं लाइट आई है नहीं। तो दोस्तों इसकी लाइट है वो आ चुकी है। अगर दोस्तों बाइक का फ्यूज ख़राब हो जाता है तो मीटर की लाइट बिल्कुल गोल हो जाएगी, नहीं तो इंडिकेटर चलेगा, नहीं हॉर्न चलेगा, नहीं दोस्तों सेलअप लेगी गाड़ी। तो अब दोस्तों सेलअप बाइक आप ले रही है, अगर सेलअप बाइक नहीं ले, अगर मीटर की लाइट चली जाए तो सबसे पहले दोस्तों साइड पैनल खोलें राइट साइड का, और इसमें जो फ्यूज लगे हैं फ्यूज ख़राब हो जाते हैं तो आप लोग फ्यूज चेंज कर लें और आसानी से लाइट आ जाएगी। सेल्फ इंडिकेटर हॉर्न सारी चीज़ दोस्तों चलने लगेंगी। तो दोस्तों इसमें यही कमी होती है जो मीटर की लाइट चली जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।